चलें जी, अब आ जाए दोबारा स्क्रीन पर। अच्छा, इस पेंटिंग, अगर आप में से कोई, मैंने जैसे बताया असाइनमेंट कर रहा ना, तो बेशक इस पेंटिंग को उठा लो, यू यू विल बी अमेज्ड कि तुम इस पे कितना लिख सकते हो। अच्छा, ये एक दफा अपने फ्रेंड्स के साथ लिटरली एक ब्रिज से गुजर रहा था शाम को, वो जब वापस जा रहा था अपने काम से अपने दोस्तों के साथ। तो दिस इज वॉट ही एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ, दिस इज नॉट अ पेंटिंग कि उसने किसी को वहां खड़े होते स्क्रीम करते देखा है। दिस इज द पेंटिंग जो उसने वहां खड़े होके उस वक्त खुद फील की, उससे उसके फ्रेंड्स के साथ वो जा रहा था और सडनली ही रियलाइज्ड कि ये नीचे पानी, ऊपर आसमान और ये सारी चीजें जो थी, उससे ऐसा लगा कि ये चीख रही हैं। ये नेचुरल, देखो आसमान पानी का ये सारा फ्लो, ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। उसको ऐसे लगा कि जो इस वक्त ह्यूमैनिटी के साथ हो रहा है उसके ऊपर नेचर भी क्राई कर रही है, स्क्रीम कर रही है। और उसने अपने आप को और इन सब एलिमेंट्स को, इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स को स्क्रीम करते फील किया। इसके दोस्त आगे निकल गए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर भी दो फिगर्स आगे चले गए, जहाँ ह्यूमन फिगर्स को दिखा रहे हैं वहां स्टैटिक है वो उनके अंदर कोई इमोशनल कंटेंट उसने शो नहीं किया, लेकिन वो अपने इमोशंस और अपनी मिस्टिक और स्पिरिचुअल जो इस पेंटिंग की क्वालिटी है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू द कलर ऑफ द स्काई। और अब आप देखिए यहाँ आपको वैन गॉग के स्ट्रोक्स नजर आते हैं, वैन गॉग की एजिटेटेड स्ट्रोक्स और स्वर्ल नजर आता है कि यहाँ पर आसमान ऐसा कोई भी नहीं देखता जैसा इसने देखा हुआ है। और आपने देखा कि जो आसमान हमने अभी स्टारी नाइट में वैन गॉग का देखा, या उसके साइप्रसिस के अंदर हम उसके स्काइज देखते हैं, वैसा स्काई भी कोई नहीं देखता। तो आप ये देखो कि ये प्योरली एक आर्टिस्ट के दिमाग में से निकली हुई एक चीज है जो वो देखता है और वो फील करता है। और वो कहता है कि मैंने लिटरली उस वक्त फील किया था दैट ऑल दीज थिंग्स दे आर स्क्रीमिंग। और ये उसने एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की है, दिस इज हाउ ही फील्स अबाउट ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो हो रहा है उस वो इट शुड बी स्क्रीम्ड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने ग्रूनो वॉल्ट आपको बता दिया है, और फिर आपके पास आने हैं दो आर्टिस्ट और, एक है नॉल्डे और एक है पेचेस्टिक। और बेकर, ठीक है, दिखाती हूँ और पेंटिंग, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद ये ब्लू राइटर्स आ गए, कोकोशकुआ। हाँ, ये कोकोशकुआ जो है ये भी एक बहुत, इसने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उस मूवमेंट के अंदर। और ये रॉटलेफ है, ये क्रिचनर है। फिर ऑस्कर कोकोशकोआ आ जाता है, जिसकी भी पेंटिंग आपको, और ये नॉल्डे की एक ये पेंटिंग थी मास्क, ये देखो। अब ये उसने मास्क बनाए हैं और आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आएगा अफ्रीकन, ठीक है ना। हमने इस तरह के मास्क देखे हैं। इसकी एक और पेंटिंग भी है द मजिशियन, ये देखो, दिस इज द पेंटिंग ऑफ अ मजिशियन, ये इमाइल नॉल्डे है। और ये जो है ये मास्क है। अब हम देखते हैं कि इनका जो शुरू हमें देखने को मिलता है एक्सप्रेशनिस्ट का, वो है जी ये एक तो एडवर्ड मॉन्क, स्टार्टिंग फ्रॉम वैन गॉग, और उससे भी पीछे चले जाएं तो ब्रूनो वॉल्ट, और ये इसकी डांस ऑफ लाइफ ये देखें, फिर ये कैथी कॉल्वर्ट्स जो वीवर्स रिवोल्ट पेंट कर रही है, और
फिर आपको मैंने नॉल्डे लॉर्डे पेचेस्टन, ये सब इसमें शामिल हैं जिन्होंने के इसमें काम किया है। अच्छा, यहाँ से अब मैं आपको बताऊं कि दो मूवमेंट्स इन एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट के काम से स्टार्ट होती हैं। दो तीन दो ग्रुप्स, मूवमेंट्स नहीं ग्रुप्स बने थे। एक ग्रुप था द ब्रिज ग्रुप और दूसरा ग्रुप था ब्लू राइडर्स। ये दो ग्रुप पैरेलल ऑलमोस्ट, राइडर्स ब्लू राइडर्स जरा आगे तक जाते हैं। ये इंस्पायर होंगे ये चीज जितनी भी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है इसके साथ। एक ग्रुप बनेगा द ब्रिज ग्रुप और दूसरा ग्रुप बनेगा ब्लू राइडर्स का। और इसके अंदर फिर अलग अलग आर्टिस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि ये अब मैं आपको कल करवाऊंगा ना, इतने सारे आर्टिस्ट हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मूवमेंट के अंदर कौन सा आर्टिस्ट है। ठीक है, और एक और ये देखो, ठीक है मैम। बैकर, बैकर जो थी ये जो है ना, इसने भी बहुत एक्सप्रेशनिज्म के अंदर काम किया है। कुछ आर्टिस्ट जो मैंने भी आपको दिखाए हैं ये वो हैं जो पाइनियर्स बनेंगे और अगले ग्रुप्स के लिए बेस प्रोवाइड करेंगे। ये था बैकर, उसकी ओल्ड पीजेंट वेमेन। अब यहाँ देखो आपको वैनकॉव और गुगेन का कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। उसका चेहरा देखो कितनी उसके अंदर उसकी क्वालिटी है। ठीक है जनाब, अब उसके बाद आ जाएगा आपका एक ग्रुप ब्रिज ग्रुप जिसके अंदर फ्रांस मार्क और कुछ दो तीन आर्टिस्ट और हैं। कोकोशकुआ है और नॉल्डे है, पेचिस्टन हैकल है। दूसरी तरफ आ जाएगा एक और ग्रुप जो कि है ब्लू राइडर्स का, उसके अंदर कैंडिंस्की है, पॉलक्ली है और हाँ कैंडिंस्की है और पॉलक्ली है। तो ये मैं फिर मेरा ख्याल आपको अलग अलग करके पढ़ाऊंगा ना, आप लोग सारे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी मच जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, ठीक है मैम। मैम ये जो आप दो